के 65 अराकीन ने 5 साल जमहूरी दौर हुकूमत में इस बेख्तलाफ की अदम मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया, अपनी तमाम असरतें निकाली। पहले जमहूरी साल 2008 में सूबाई हुकूमत के 11 इजलास हुए जिसमें 3 करारदादें मंजूर हुई, 2009 में 5 इजलास, 2010 में 8, 2011 में 7, जबकि 2012 में 9 इजलास तलब किए गए जिसमे 50 करारदादें बिना बहसो तकरार के मंजूर हुई, मगर इनके सम्राट आवाम तक न पहुँच सके। बलूचिस्तान की जो हुकूमत थी उसने बलूचिस्तान वालों को मासवाए मशुदा लाशों के, मासवाए अगवा बराए तावन के, मासवाए जो है ना करप्शन के कुछ नहीं दिया। ये 5 साल बलूचिस्तान की तारीख में स्याह तरीन साल थे। सूबाई असम्बली के इस बेख्तलाफ सरदार यार मोहम्मद रिंद अल्फ बर्दारी के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर असम्बली में नजर न आए तो अपोजिशन लीडर का चुनाव स्पीकर असलम बोतानी ने 4.5 साल बाद तारिक मक्सी की शक्ल में किया, मगर स्पीकर पर अराकी ने असम्बली की जानिब से तहरीक अल्तवा के बाद ये मामला फिर से सर थाने की नजर हो गया। ताहम अराकीन असम्बली सियासी बहरान के बावजूद अपने गिने चुने इकदाम पर मुतमइन है। इस हुकूमत के दौरान बहुत से अच्छे काम भी हुए, मिसाल के तौर पर NFC अवार्ड इसी हुकूमत के दौर में आया जिसमें बलूचिस्तान को ज़्यादा वसाइल मिले, और इस हुकूमत ने गवादर पोर्ट पर स्टैंड लिया था जिसकी वजह से वो किसी और को देने में नाकाम रहे। बलूचिस्तान असम्बली के इजलासों पर करोड़ों रुपए की लागत आई, सबसे ज्यादा अमनो अमान जबकि सबसे कम तालीम और सेहत पर बिल मंजूर हुए। 40 इजलासों में से बेशतर इजलास में वुज़रा सोते और अवामी उम्मीदों पर पानी फेरते दिखाई दिए। कैमरा टीम के साथ सीमा कव्वल, दुनिया न्यूज़, क्वेटा।